गोस्ट राघव स्टोरीज। राघव कैमरा ऑन कीजिए, आ जाइए सामने। माई जूम अकाउंट हैज माई मैरिज पिक विथ माई वाइफ। अरे हाय सुरेश जी, नमस्ते हाय, सर, नमस्ते एकदम हो लुक्स लाइक अ वेरी रिस्पेक्टफुल विराट कोहली। मेरा व्हाट इज दैट सपोज्ड टू मीन? मतलब ही विराट कोहली इज एक्चुअली पीसफुल, हैप्पी, यू नो, नाराज नहीं है, चीयरफुल सर विराट कोहली। सेम पिंच नहीं है नहीं। ओ एकदम चेयर, चेयर। आपको देख के लिया हो अरे इसे डिफरेंट वर्जन, वो लोगो नहीं है तेरा, इसमें मेरे निकाल को दिया, देख के पेंट कर दिया। थोड़ा सा ये हाई एंड वाला। ओ हाय एंड ओ गड्डी है। ऑलराइट ऑलराइट, तो हाँ, राघव किधर से? मैं बैंगलोर से हूँ वैसे, वेलकम राघव। वर्किंग इन बैंगलोर एंड ऑलराइट ओरिजिनली फ्रॉम कानपुर यूपी। ऑलराइट, अरे कानपुर फैंटास्टिक। से आप, क्या बात है। विच स्कूल डिड यू स्टडी इन कानपुर? केवीआईटी, केवीआई। मुझे मेथडिस्ट पता है, जयपुरिया पता है वहां पे। वेरी नॉन स्कूल्स। या या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई लाइक या टू गो सुरेश, टू। करेक्ट। थैंक यू थैंक यू राघव। फॉर पॉइंटिंग आउट दैट सुरेश वाज वेस्टिंग टाइम राघव। टेक इट इजी, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके कुछ ना कुछ गोस्ट स्टोरीज होते रहते हैं उनके साथ। तो व्हाट आई डू इज मेक अ नोट ऑफ इट एंड आई ट्राई टू यू नो टेल इन माय ग्रुप्स व्हेन वी गो आउट ऑन ऑफिस ट्रिप्स, कैंपिंग ट्रिप्स एंड ऑल दैट। गॉट सो इट। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ गोस्ट स्टोरीज। आई राइट गोस्ट स्टोरीज, आई हैव माय ओन ब्लॉग व्हिच आई यू नो आई हैव सेग्रीगेटेड सम फ्यू गोस्ट स्टोरीज ओवर देयर। आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन लेटर। क्या बात है, डेटा ओरिएंटेड सर, प्लीज। यस वेरी गुड। सो मैं एक गोस्ट स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था। बहुत रिस्पेक्टेबल फ्रेंड है, उनका नाम अहमद फराज है। तो ही ऑल्सो नरेट्स वेरी गुड गोस्ट स्टोरीज। तो ये बात है कानपुर की। बट सर ऑल्सो, मतलब इधर तो हम लोग तो नहीं अच्छे से नहीं नरेट करते इधर, तो ऑल्सो नहीं बोलने को। आई एम जस्ट किडिंग। नहीं सर, हाँ कंटिन्यू सर, सॉरी। ऑल द रिस्पेक्ट, यू आर वेरी गुड नरेटर। तो कानपुर के पास एक बहुत छोटा सा गांव है बिठूर जिसको बोलते हैं। तो ये वहाँ की कहानी है, अर्ली 2000s, 1990s, 1999, 2001 की कहानी है। तो उस समय क्या था कि गवर्नमेंट उस लैंड को, उस एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ बहुत सारे प्लॉट्स दे रहे थे फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स खेती करें वहाँ पे जाके। और कोई अगर वहाँ पे लैंड खरीदना चाहता है, फार्म हाउस बनाना चाहता है, ताकि लेटर रेंट आउट कर सके एज अ यू नो हॉलीडे होम एंड ऑल दैट। तो मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे, मेरे फ्रेंड के पापा ने, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे वहाँ के, इन्फ्लुएंस वाले, तो उन्होंने बहुत बड़ा लैंड लिया वहाँ पे। समवेयर अराउंड 4-5 एकर्स का लैंड था वो, और उसके लैंड से जस्ट लगा हुआ एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल के थोड़ा सा 4 किलोमीटर आगे जाके एक गाँव था। तो मतलब वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 20 किलोमीटर सिटी क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पहुँचोगे। और तो फिर उसके आगे जंगल है एंड द नियरेस्ट सिविलाइजेशन इज द गाँव 4 किलोमीटर्स, क्योंकि सिटी से बहुत दूर हो गया। तो उन्होंने जब लैंड लिया वहाँ पे, मुस्लिम लोग थे तो कलमा वलमा पढ़ के उन्होंने एक कमरा बांध दिया वहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग आके, और कभी भी खेती बाड़ी करना हुआ, किसी को यहाँ पे आके ठहरना हुआ, तो हम आराम से आके यहाँ पे रहेंगे कुछ दिन और फिर पिकनिक करके चले जाएंगे। तो जब कमरा पूरा बन गया, बन के तैयार हो गया, तो अंकल ने कहा कि दोनों बच्चों को लेके, और मैं चलूंगा वहाँ पे, मैं वहाँ जाऊँगा। वाइफ को उन्होंने घर पे ही छोड़ दिया कि हम लोग तीनों लोग जाएंगे, इंजॉय करके 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। तो घर पे सब ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो दोनों लड़कों को लेके अंकल वहाँ से रवाना हुए। खाने वाने का सारा सामान उन्होंने भर लिया, क्योंकि सिटी बहुत दूर था वहाँ से 20 किलोमीटर, तो कुछ भी खाने का सामान अगर रखना हो तो पॉसिबल नहीं है वापस आना। तो उन्होंने खाने का सामान अपना सब रखा, रहने खाने का बिस्तर बिस्तर सब बांध लिया, जीप में भर के हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। समवेयर अराउंड 3 घंटे हम लोग को लगे वहाँ पहुँचने में, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। तो रास्ता ख़राब के चक्कर में जीप ही बहुत गड्ढे वड्ढे होते हुए वहाँ पे पहुँचे जाके। वापस जब वहाँ पहुँचे तो आराम से उन्होंने खाना वाना खाया सबने। और खाना खाने के बाद क्या हुआ कि अंकल को किसी दोस्त के मिलने की खबर पहुँची कि एक दोस्त आने वाला है उनके पास, उनका बहुत पुराना दोस्त है और वो भी आके रहेगा। तो अंकल थोड़े डर गए कि अरे यार दोस्त आएगा और खाने का सामान हमारे पास बहुत कम है, तो कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग 3 लोगों के हिसाब से खाना लेके आए हैं और 4 लोग आ जाएंगे तो एडजस्ट कर लेंगे किस तरीके से। तो अंकल के दोस्त आए, उन्होंने भी खाना वाना खाया, और जितना खाना हम लोग 3 लोगों के लिए 2 दिन के लिए लेके आए थे वो एक दिन में ही खत्म हो गया सारा खाना। तो अंकल ने नेक्स्ट डे सुबह बोला कि मैं दोस्त के साथ जाके और शहर से कुछ लेके आता हूँ, 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे मुझे, और बच्चे लोग, दो बच्चे तो थे समवेयर अराउंड 13 ईयर्स एंड 15 ईयर्स अराउंड, दोनों लोगों को घर पे छोड़ा और बोला कि तुम लोग यहीं पे रहो
और एक नौकर, एक वहाँ पे केयर टेकर था जो प्रॉपर्टी केयर टेकिंग करता था, उसको बोला कि तुम लोग उनका ध्यान रखना और इनको कहीं जाने मत देना, बच्चों को अकेला कहीं, अंधेरा होते ही मेक श्योर कि दे आर इन द प्रॉपर्टी एंड नॉट गोइंग आउटसाइड। तो केयर टेकर ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग वहाँ से अंकल और उनके दोस्त जीप लेके चले गए सिटी साइड खाना वाना लेने और इंतजाम करने। उतने देर में 2-3 घंटे बाद कोई वहाँ गांव से आया और उसने केयर टेकर को बोला कि तुम्हारे पापा की तबीयत नहीं ठीक है तो तुम्हें चलना पड़ेगा देखने के लिए उनको। तो केयर टेकर ने आके बच्चों को बताया कि मेरे को जाना पड़ेगा 2-3 घंटे के लिए और फिर मैं जल्दी से आ जाऊंगा। तो वो साइकिल लेके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर्स कच्चे रास्ते में, जंगल के रास्ते, वो अपने गांव चला गया। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है 3 एकड़ की, वहाँ सिर्फ 2 बच्चे बचे और कोई भी नहीं पूरी प्रॉपर्टी में। शाम हो गई, कोई नहीं आया, ना अंकल आए, उनका दोस्त भी नहीं आया साथ में, गांव से केयर टेकर भी नहीं आया। 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, ऐसे करके रात के 9 बज गए। बच्चे बेचारे अकेले क्या करेंगे, परेशान हो गए। तो उन्होंने कमरे को बंद कर लिया, अंदर से प्रॉपर्टी को पूरा लॉक कर लिया, कमरे के अंदर कैंडल्स जला ली कि हम लोग यहीं पे रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। 1 घंटे बाद उनको एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी कि जंगल के रास्ते से कोई जीप आ रही है। तो उनको एक बार को लगा कि शायद उनके पिताजी होंगे, दोस्त के साथ आ गए होंगे खाना लेके। तो वो लोग थोड़ा सा बाहर निकले गेट खोल के, उन्होंने देखा कि जंगल के रास्ते से अंदर से कोई आ रहा है, जबकि वहां पे जीप जाने का रास्ता नहीं, वहां सिर्फ साइकिल जा सकती है या कोई आदमी पैदल जा सकता है। तो उनको थोड़ा सा शक हुआ, उन्होंने कहा था रिस्क क्यों ले भाई, अंदर जाते हैं, अंदर से लॉक कर लेते हैं, अगर पापा होंगे तो आके गाड़ी लगा देंगे और फिर बुलाएंगे हम लोगों को। जीप आती गई, पास आती गई, जीप के आने के बाद बहुत तेज हो गई, घर के सामने आके जीप रुकी और गेट खुला, उसका इंजन अभी भी ऑन है जीप का। कोई निकला उससे, काफी बड़े कदमों की आवाज थी, ऐसा लग रहा था कोई बहुत भारी आदमी चल के अंदर आ रहा है। और बारिश बारिश हुई थी तो हल्का बहुत मिट्टी गीली थी, तो जैसे कोई गीली मिट्टी पे चलता है बड़े पाँव से, वैसे ही कोई आता हुआ अंदर उनको महसूस हुआ। वो लोग थोड़ा डर गए कि ये तो नहीं लग रहा है कि हमारे पिताजी हैं। उनके जो आदमी अंदर आ रहा था उसकी आवाज में एक ग्राउलिंग थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत बेसब्रा इंसान है कोई। वो आके गेट के सामने जस्ट खड़ा हो गया। इन्होंने आवाज लगाई हिम्मत से, कौन है वहां पे, कोई कुछ बोला नहीं, सिर्फ एक ग्राउलिंग आ रही थी, बहुत भारी आवाज, ऐसे करके। उसने चलना शुरू किया एक साइड से, दरवाजे के राइट साइड से वो चलना शुरू किया, उसने पूरे कमरे का जायजा लिया और वापस आके गेट पे खड़ा हो गया। अब उसकी आवाज में और तेज ग्राउलिंग थी। फिर उसके कदम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलना चालू हुए, फिर उसने दूसरे साइड से कमरे का जायजा लिया, फिर आके वहीं खड़ा हो गया। अब उसको बेचैनी हो रही थी, जैसे वो अंदर आना चाहता हो, अंदर आ ना पा रहा हो। बहुत तेजी से उसने चक्कर लगाए कमरे के, एज इफ स्प्रिंटिंग करता है ना कोई, ब्रिस्क वॉकिंग, वैसे करके उसने एक तरफ से चक्कर लगाए, लेफ्ट से लगाता फिर राइट से लगाता। तो बच्चे काफी डर गए, उन्होंने देखा कि दीवार पे बंदूक लटकी हुई है, पापा की बहुत पुरानी दुनाली बंदूक है। उन्होंने दुनाली बंदूक उतार ली वहां से और खिड़की के बाहर से निकाल के बोला कि मेरे हाथ में बंदूक है, जो भी बाहर है बता दो कौन है, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, बच्चा बोला। तो जो ग्राउलिंग आवाज में था वो इंसान बोला, ऐसी जगह खड़े हो जहां से अंदर आना बहुत मुश्किल है, बाहर आओ फिर बताता हूँ कौन है। बच्चे बहुत डर गए, उनके हाथ से बंदूक छूट गई और वो एक दूसरे को पकड़ के रोने लगे कोने में जाके। अब वो चक्कर लगा ही रहा था इंसान, अंदर नहीं आ पा रहा था, उसने दरवाजे को भी हिलाने की कोशिश करी लेकिन दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। बच्चे एक कोने में सुबक सुबक के रोए, जोर जोर से रोए, और जितनी भी कमरे की मोमबत्तियां थी सब बुझ गई, कुछ हवा चली, क्या हुआ, उस साए का कुछ प्रकोप था, सारी मोमबत्तियां बुझ गई। रोते रोते बच्चे बेहोश हो गए और उनको कुछ भी होश नहीं रहा कि क्या हुआ। 1-2 घंटे बाद उनको होश आया, दरवाजे पे कोई पीट रहा है, एक का नाम था शम्स, दूसरे का नाम था फराज। शम्स, फराज, दरवाजा खोलो, दोनों बच्चों का नाम था, पापा आ गए थे उनके। बच्चों की अचानक आंख खुली, बच्चे फौरन भागे, दरवाजा खोला, देखा पापा और उनके दोस्त खड़े हुए हैं। वो उनको गले लगा के जो रोए हैं, मतलब जैसे उन्होंने बहुत सालों बाद पापा से मिले हों और वो बहुत रोए। पूरा सब उन्होंने बयान किया कि क्या हुआ उनके साथ, और जो अंकल को बताया उन्होंने कि ऐसे करके कोई आदमी आया था वहां से और बहुत जोर से गुर्रा रहा था, हम लोग को डराने की कोशिश करी, अंदर नहीं आ पा रहा था। तो जो पापा का दोस्त था उन्होंने बताया, बेटा ये जो कमरा है ये तुम्हारे दादाजी ने दुआओं से बांधा हुआ है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाया।
तो उनके दादाजी बहुत बड़े मौलवी थे कहीं के, जिन्होंने कमरा बांधा था उस समय पूजा करके, तो उसकी वजह से वो आत्मा अंदर नहीं आ पाई। तो ये छोटी सी स्टोरी थी कानपुर के एक गांव की। क्या नरेशन था सर, तालियां बहुत बढ़िया, तालियां, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया आपने नरेशन जिस था। हिंदी का बहुत अच्छा प्रयोग किया, उर्दू वाक्यों का बहुत अच्छा प्रयोग किया, आप मुंबई बहुत आ मजा है सकते सुनने में। हैं। प्लीज बहुत अच्छा लगा, हैट्स ऑफ टू यू, वेरी नाइसली नरेटेड। तो आई नो, आगे सॉरी, कभी और फिर से आऊंगा, सुनाऊंगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, टेक केयर राघव, हैव अ गुड वन। ब्यूटी सर, थैंक यू, और बाय बाय। जाते जाते प्लीज, वो क्या साउंड था, ग्राउलिंग का साउंड, एक बार सुनाइए आप। मेरा फोन ये कुछ सेम साउंड करता है वाइब्रेशन मोड पे। देर पहले मेरा माइक पे ऐसे ही साउंड कर रहा ऑलराइट, था। टेक केयर राघव, हैव अ गुड वन। थैंक यू सर, वेरी बाय, नाइस हैप्पी इंटरनेट, वीकेंड। ब्यूटीफुल, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है सुरेश, क्या नरेशन था, बहुत ही खूबसूरत, मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फील बट लाइक वेरी डैड नाइस। ही था, इट वॉज द फादर इवन ऑन आज द आउटसाइड। आई नो यू वर थिंकिंग गुड, दैट, दैट्स व्हाई बीच में मैं आईफोन में तेरे को इशारा कर रहा था। आई नो, फीलिंग वेरी बैड। फर्स्टली यू नो दीस गाइज आर लेफ्ट टू किड्स अलोन, द केयर टेकर फर्स्ट शुड बी हैमर्ड यू नो विद अ बेल्ट, और द केयर टेकर न्यू कि ये इस टाइम ही पे शुड आता है बी और निकल हैमर्ड गया। विद अ बेल्ट। या ऑब्वियसली लीविंग द चाइल्ड एंड चिल्ड्रन अलोन, यू नो हाउ सैड इज दैट। Anyway. हे नो बट लिसन, द थिंग इज दैट केयर टेकर लेफ्ट द हाउस एट द एग्जैक्ट सेम टाइम, परहैप्स ही न्यू कि दिस एंटिटी कम्स इन, यू नो डिड Either यू it was रियलाइज the दैट? caretaker, it was the father, I feel like. नो, केयर टेकर को मालूम रहेगा ऐसा कुछ हो रहा, बाप रे। I like the way he said कि जहाँ पे तू है अंदर, वोल्डेमॉर्ट की या आवाज में, आई कैन मेक मी कुछ, सडनली जहाँ पे थोड़ा तू है अंदर, वहां पे आना बहुत मुश्किल है हैरी, तू तो बाहर बाहर आ, बाहर निकल, ही सेड इट अ मैं का बिट दूध पिया तो बाहर लाइक निकल। इमेजिन द नरेश, गोस्ट गिविंग फिल्मी डायलॉग, सॉरी सर आई इंटरप्टेड यू, ये यस, नो 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 नो, नहीं इट्स मैं ओके, देखा सर। यू आर गोइंग द सेम रोड। आई जस्ट वांट टू, बिफोर आई फॉरगेट दिस अर्लियर, दैट गाय वाज सेइंग ना, वो रास्ते से जा रहा था और वहां से एक लाइट आ रहा था, इट रिमाइंडेड मी ऑफ योर सेगमेंट दैट यू यूज्ड टू डू, संजीव कुमार ड्राइविंग टिप्स। Today I remembered one more thing that we used to do, which यस, remember we used to play that, you know, कंटेंट, हमारा रोविंग रिपोर्टर लंबा लच्छू अब इस वक्त इसके हाँ बंगलों के बाहर है। हेलो हेलो सर, इधर हम लोग सब रुके हैं और देखते हैं क्या होगा। एंड मोमेंट दैट somebody supposedly came and I used to say, सर सर प्लीज ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ प्लीज, इस ए तरफ देखो, साइन मेरा साइन करो, मेरा चाची छाती मेरा पे। एंड आई यूज टू से, ऐसे आप कैसे रिपोर्टर है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। एंड द क्रेजी पार्ट इज, रिपोर्टर्स आर लाइक एक्चुअली लाइक दैट I know, that's टुडे। what I was hearing some of them today and I laughed so much. ओह माय गॉड, We knew they would become like this so many years back. ओह शिट, क्रेजी Wow. क्रेजी। एनीवे, आवर फर्स्ट टेस्ट बॉल हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। आई आस्क्ड हाउ वाज राघव स्टोरी, मजा आ गया 68%, चुप तू करेक्ट, काम कर अपना 31%, 31% को मैं देख लूंगा बाद में तुम। हमारे ही लोग इधर, अब मेरे साथ ठीक है,